पैसे लिए इसने तारीफ करे के लिए। हाँ। कितने दिए आपने? हाँ। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में कितने जीरो होते? सॉरी सॉरी सॉरी, 1003 होते। छोटी सी बच्ची हो क्या? यस, मैं छोटी सी बच्ची हूँ। किसी घर में खिचड़ी बनेगी, किसी के यहाँ मगौड़ी बनेगी। अभी मैंने जस्ट अभी नहाया हुआ है, अब मैं जाऊंगा मंदिर, मंदिर में जाके दर्शन करूंगा और मैं दिखाऊंगा हमारा मंदिर कितना ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बलखंडेश्वर, मतलब पूरे पहाड़ों के बीच में जीने गए हैं, उसके बीच में मंदिर हमारा बसा हुआ है। तो गाइस देखना कितना ज्यादा मजा आने वाला है ब्लॉग में, जैसे पुराने ब्लॉग में अपने प्यार दिया है। आई होप इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो गाइस मेरे साथ कौन जाने वाला है हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो गाइस देखिए मम्मी हमारी रोटी बना रही है, बस आप देख सकते हैं मम्मी मकर संक्रांति में रोटी बन रही है, और दीदी जा रही है हमारे साथ में, आप देख सकते हैं दूध लेने जा रही है दीदी, और हमारे दूध वाले भैया भी आ गए। ये देखिए गाइस, ये मेरे घर के सामने मंदिर बना हुआ, कितना अच्छा है। बस मंदिर जाने से पहले दूध वाला आ गया दूध लेने के लिए, और गाइस देखिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखिए हमारा लोकेशन घर का, ये महोबा में पूरा देखिए, हमारे यहाँ पे भैंस बंधी है, गाय बंधी है, और दीदी देखो तैयार हो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, येलो कलर का साड़ी पहने हैं, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा हम दोनों का। और ये हमारा मंदिर है शंकर जी का, जो है शिव मंदिर, हम जाएंगे बलखंडेश्वर मंदिर। देखिए ये बैठे भाई दीदी तैयार हो रही है, और ये हमारी मम्मी रोटी बना रही है, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस हम आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, साथ में देखो पता है मेरे साथ दीदी जा रही है, अंजना दीदी, आपको पता ही होगा इनको कौन नहीं जानता है। चलो मंदिर चलते हैं ना। खिचड़ी तुम्हारे पास है कि मेरे पास है? अरे यार चलो, खिचड़ी तो भूल गए, जाए के लाने आए थे। चलो चलो। तो गाइस देखो मकर संक्रांति हमारे खिचड़ी देने आए थे, ये और तैयार के चक्कर में खिचड़ी तक भुला दिया। बताओ गाइस कौन कौन ऐसे लोग हैं कि मतलब तैयार होने के चक्कर में खिचड़ी तक भूल गए, जो भगवान को चढ़ानी थी हम लोगों को। देखो अभी भी मांग ना रील्स में, देखो गाइस फोटो चल रही, खिचड़ी भूल गए, वो देखिए कितने दूर है हम लोग, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग घर जाते हैं फिर बताते हैं हमारे खिचड़ी भूल गए। दोबारा मम्मी खिचड़ी भूल गए वो। उधर रखी खिचड़ी। तेरा का ही थी हाथ में, वो घर लटा था तू। गाइस देखो अब मैं लगाई है खिचड़ी, देखो अभी भी मोबाइल में मंगने खिचड़ी के लिए, देखो। तो गाइस आप देखिए ये हमारा मंदिर है, देखो पूरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना, अगल बगल घर बने हैं। हाँ बिन्नू का देखो साड़ी तक, पहली बार ना साड़ी पहनी, पहली बार तो नहीं पहनी। हाँ मतलब क्या बोले? झूठ बोलो जो। देखो झूठ बोल रहे हो। तो गाइस कितना अच्छा मंदिर बना, पूरा पहाड़ों के बीच बना है जंगल में। देखो मैं आपको बैक कैमरा दिखा रहा, दीदी आज कितनी अच्छी लग रही है, देखो इन्हें पहली बार झूठी पैसे लिए इसने तारीफ करे के लिए। कितने दिए आपने? हाँ 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में कितने जीरो होते? सॉरी सॉरी सॉरी, 1003 होते। देखा गाइस ये है, देखिए गाइस ये पहाड़ों के बीच में मंदिर है पूरा, और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ, आप देखिए पूरा, हम आपको दिखाएंगे आगे अंदर जाके कितना अच्छा नजारा है। अंजू तुम्हारी बेल्ट अच्छी लग रही है, मुझे दे दो यार। नहीं देगा। दे दो, जितने कहोगे उतने दे देंगे। 10,000। गाइस ये देखिए मंदिर हमारा कितना अच्छा है पूरा। तो गाइस ये देखिए हमारा पूरा महोबा का नजारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत ही प्यारा नजारा पूरा मंदिर का आप देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा व्यू, कोहरा भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस मत करना। अच्छा आप मुझे ये बताइए क्या 22 जनवरी को आप राम मंदिर जाएंगे कि नहीं? तो गाइस आप देखिए पूरा नजारा कितना अच्छा है, हमारा महोबा का व्यू, पूरा जंगल में ही बसा हुआ है ये मंदिर बलखंडेश्वर मंदिर, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ दीदी देखो वीडियो चल रही है शूटिंग की, और यहाँ देखिए पूरा जंगल आप देखिए कितना प्यारा व्यू, अब दिखा देंगे गाइस हम लोग आगे। तो गाइस आपने देखा मंदिर हमारा कितना अच्छा है, अब हम मंदिर से आ रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि अब घर में जाएंगे है ना, और बहुत मजा आया मंदिर में। अब जा रहे हैं जहाँ पर, हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगा है, उस जगह को हम आपको दिखाएंगे कहाँ लगा है मकर संक्रांति का मेला। तो गाइस मिलते हैं आगे। मेरी फेवरेट दुकान है। तो गाइस देख सकते हैं हम तीनों लोग जा रहे हैं अब मेला घूमने के लिए, आपने देखा अभी हम बलखंडेश्वर से आए हम, अब हम सब लोग जा रहे हैं मेला के लिए, कुछ लोग हमारा वहाँ पे विजयनगर में वेट कर रहे हैं जहाँ मेला में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस ब्लॉग में जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा मजा आने के लिए। तो गाइस मिलते हैं हम लोग आगे।
तो गाइस आपको देखो मैं छोटी सी बच्ची से मिलवा रहा हूँ। छोटी सी बच्ची हो क्या? यस मैं छोटी सी बच्ची हूँ। वो भी मात्र 21 साल की है, छोटी सी बच्ची। तो गाइस देखो पच्ची बिहार में और ये मुझे मिल गई वहीं पर, पच्ची में मिली बच्ची। कन्हैया क्या बोलना चाहोगे अब रोशनी के बारे में? पश्चिम बिहार पश्चिम में मिली बच्ची जो दिमाग से एक अच्छी, मन की सच्ची, हमें नहीं लगती अच्छी। इसको कहते हैं छोटी बच्ची, हम लोग कहते हैं बच्ची हो क्या? या आपसे छोटी बच्ची हूं। बेटा कहाँ पढ़ती हो? आड़ी बाड़ी में। तो गाइस देखिए हम लोग जंगल में जा रहे हैं और देखो जंगल में ये भूत मिल गई थी और हम लोग देखो घूमने जा रहे हैं, कितना ज्यादा मजा आने वाला है वहाँ पर। तो गाइस अभी देखना आगे हम लोग आपको कुछ ऐसी चीज दिखाएं जिसे आप देख के ही देखो देखो पूरा जंगल का एरिया है और देखो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत सारे लोग भी है, बहुत अच्छा मेला है। देखो गाइस हम दोनों हम लोग एक लाख लोग हैं। एक प्यारी सी बंग नहीं आई है जो चंगिलिया बंग है, उससे बात करें। बोलो चंगिलिया कुछ। गाइस देखिए हम लोग खा रहे हैं वो जिसको खाना है। लड्डू। क्या खा रहे हो? लड्डू। सन भाई क्या खा रहे हो? मैं तो खाता ही नहीं कभी। ये नहीं खाएगा देखो, मैं खाऊंगा भी। लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ देख लो। गबा की और वीडियो इतनी अच्छी है अब आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे ये डालेंगे ना जाके चेकआउट जरूर करना। गाइस अयोध्या जा रहे हैं कई लोग और हमें जो लोग मिले थे वो गाइस 1600 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। आप लोग एक बार जाके जरूर देखना। गाइस देखिए हम लोग मकर संक्रांति के लड्डू खा रहे हैं, आप लोग भी खा लो, बहुत ही ज्यादा यम्मी है। और फिर बेटा फिर खाएंगे काला जाम। नहीं कर दो तो देख रहे हो गाइस ऐसी किस कदर बेइज्जती की। सो गाइस अब हम लोग मिल चुके हैं अपने कुछ मित्रों से, आपको भी मिला देते हैं। ये देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं कीरत सागर, देखा होगा आप कितना ज्यादा मस्ती है। हम लोग पहुंच चुके हैं कीरत सागर, देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ चाहता हूँ जिसको गाड़ी बुक करवाना है तो करण से संपर्क करे और जिसको कटिंग कराना है तो भाई से संपर्क करे, ये कटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे गाड़ी चलवाना हो तो भाई से संपर्क करे, जिसको प्रोग्राम करवाना तो भाई कन्हैया और हमसे संपर्क करे। सही बात है। जैसे न पटना हो या सेटिंग बनवानी हो तो भाई इनसे संपर्क करे, जिन्हें ब्रेकअप वगैरह करवाना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी ब्याह तोड़वाना हो मुझसे संपर्क करे। कहीं आपने देखा होगा ये आज तक न्यूज में चल रहा है आजकल, बहुतों का तोड़वाया है बहुतों का जुड़वाया। आप देख पा रहे होंगे ये बैठा हुआ है अमन भाई, पता नहीं नहाया नहीं है मगर आज नहाया है। देखो इसके बाल देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है ना भी गाइस, झूठ बोल दिया ना। तो गाइस मिलते हैं बाद में। तो गाइस देखिए ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, देखना। तो गाइस ये देखो मेरा दोस्त है बचपन का, साथ में हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं। आज इसने मुझे खिलाई है मंचूरियन और बहुत ज्यादा, देखो अमन भाई भी खा रहे हैं, भी खा रहे हैं। बहुत अच्छा बना भाई मंचूरियन है ना, मस्त एक नंबर भाई। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं भैया प्रमोशन नहीं कराएंगे फिर। तो गाइस देखिए शिवू भाई दे रहे हैं पैसे और मुझे। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, अभी सब लोगों ने हम लोगों ने इतना मेला वगैरह घूमा आप देख रहे हैं। अब मैं शॉपिंग करने आ चुका हूँ तो आप देख सकते हैं। और ये गाइस आज मुझे बना दिया इन्होंने कुली, ये देखो मैंने सारा कुछ ले लिया, ट्रॉली मैंने वहां रख दी ताकि मैं कुली बन जाऊंगा। गाइस मैं इसके एक्सप्रेशन बैक के हमने से बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए कितना सारा सामान लिया, अभी हम लोग लेते ही जा रहे हैं अपनी गृहस्थी का सामान क्योंकि जो हम लोगों को शूटिंग वगैरह में लगना है। बोलिए कैसा फील हो रहा है आपको? तो मुझे तो आज बिल्कुल कुली वाला फील हो रहा है, ट्रॉली भी उधर वहाँ खिसका दी है कि आज ट्रॉली भी नहीं लेगा और ये सारा कुछ मेरे पास पकड़ा दिया और बोल रहे हैं चाय पिलाऊंगा वहाँ जाके, सारा कुछ पकड़ के रखना बस। तो गाइस आप लोग बता दो अब कमेंट में कैसा लग रहा हूँ मैं। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं आगे। तो गाइस देखो हमारे घर में बिलैया वो खा रही है घास, बताओ किस किस के घर में बिलैया घास ऐसे खाती है? देखो गाइस बिल्ली कैसे खा रही है हमारे यहाँ पे, देखो आप, आपके घर में खाई बिल्ली है? देखो कितनी दूर से मैंने लिया कैप्चर करके और बिल्ली देखो कैसे घास खा रही, बेचारी को दूध नहीं पीने को मिला तो घास खाने में जुटी है देखो। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा चल रहा है काम और रोशनी भी मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रही क्योंकि हम लोग शूटिंग की तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि बहुत अच्छा दिखाऊं आपको गाइस, ये मेरी गृहस्थी है, आप देख पा रहे होंगे हर चीज नई नई आ चुकी है। ये पूरा सामान देखिए, कढ़ाई देखिए, डब्बे देखिए, सारी नई चीज आई है। देखिए बिल्कुल डलियां एकदम न्यू, ये सब देखिए हर चीज नए नए दिख रहा होगा आपको और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मेरी किचन की हो रही है ओपनिंग और सानू भाई रोशनी लगे हैं। कितने मन लगा के मस्त कर रहे हैं। हेलो करो, हेलो कैसे सब लोग, आए बच्चे हो गए?
तो गाइस देखिए आधा डेकोरेट हो चुका है और सानू भाई ने किया है और रोशनी बस देख रही है, जीप दिखा रही है, देखो जब तो उसका नाम रख दिया बॉनी और ये वेट कर रही है कब समोसे आएंगे तब किचन में। तो गाइस देखिए कितना ज्यादा मजा आने वाला है, अभी सब सामान पूरा फैला डाला हुआ है। तो गाइस अब हमारी देखो पूरी किचन हो चुकी है रेडी, अब इसका कटने जा रहा है रिबन, ये हमारे चीफ गेस्ट अंजना तिवारी नोएडा से, और कटने से पहले 100 रुपए लगेंगे इस रिबन के। तो गाइस अभी अगर आपको देखना है ना तो इसी तरह ब्लॉग में बने रहना, और अभी बचेगा यहाँ पे धमाल और होगा भी बवाल, ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस अब देखना कितना ज्यादा मजा आने वाला, क्या बोल रहे हो तुम? 100 रुपए लग जाएंगे रिबन कटवाने के। अच्छा ठीक है, सो गाइस अभी देखना आप लोग क्या होगा बवाल और क्या होगा धमाल, कौन काटता है रिबन, कौन देता है 100 रुपए, क्या होता है 100 रुपए का, सभी को देखना है तो लास्ट तक बने रहना। जो कोई 100 रुपए देख नहीं, जो लोग रिबन काटेंगे वही चाय बनाएगा। अब बताओ किसको रिबन काटना है वही चाय बनाएगा, अब करना। बस मुझे तो 100 रुपए से मतलब है, कोई भी काटे कोई भी बनाए, चाय मुझे पीना है। 100 रुपए बस आप बकवास बंद करो। तो गाइस अब रिबन काटने का समय हो रहा है, चलो अलग होइए, आप साइड मुझे भाई 100 रुपए। तो गाइस देखो आप यहाँ रिबन कट रहा है, रिबन कटिए काटिए। तो गाइस देखिए रिबन बहुत अच्छे रिबन कटा, अब हमारी बनेगी चाय, देखो बनाइए मैडम चाय। गाइस ये मेरी चीफ गेस्ट नहीं है, मैंने नोएडा से नौकरानी बुलाई थी। गाइस अब देखिए चाय बनेगी, कुत्ता कमीना हो ये। तो गाइस यहाँ से ब्लॉग होता है हमारा एंड, आपने देखा होगा हमने संक्रांति वगैरह में कितनी मस्ती की, और मैंने अपनी किचन की भी शिफ्टिंग की, आपको सब कुछ दिखाया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी लोगों को राधे राधे।